ऐतिहासिक प्रक्रिया में प्राथमिकता देना एक बात है और मात्र उसकी ओर ध्यान देना, आकृष्ट करना और उन्हें भी ऐतिहासिक व्याख्या में शामिल करना दूसरी बात है। इस तरह अधिकांश इतिहासकारों को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार दलितों के स्वभाव एवं कुचले गए विद्रोहों का जब सबल्टर्न इतिहासकार उन्हीं के दृष्टिकोण से वर्णन करते हैं और इतिहास में इन भूले हुए बलिदानों और संघर्षों को स्थान देना चाहते हैं, तो इसका अभिप्राय शायद यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि वे आज के संघर्षों में संगठन और नेतृत्व की आवश्यकताओं के विरुद्ध कोई राजनीतिक अवस्थिति अख्तियार कर रहे हैं, बल्कि परिणामों के नजरिए से तथा आज के राजनीतिक सोच के आधार पर अतीत के संघर्षों का मूल्यांकन करना एक बात है और बीते हुए दौर के सफल असफल सभी संघर्षों को उन्हीं के अनुभव के आधार पर समझने की कोशिश करना दूसरी बात है। इसका भी इतिहास लेखन में समुचित स्थान बनाने के लिए जो दृष्टिकोण है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। सबल्टर्न अध्ययन के खिलाफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपत्ति उठाई गई है। इस अध्ययन से संबंधित विचारकों ने न केवल दलितों की चेतना एवं मानसिकता के अध्ययन पर अत्यधिक जोर दिया है, बल्कि उसे उच्च वर्गीय शोषक से भी और नेतृत्व या संगठन प्रदान करने वाले राजनीतिक दलों से भी अपेक्षाकृत स्वायत्त माना है। इस बात से तो शायद किसी को इनकार नहीं करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति या समूह की सोच केवल एक ही स्रोत से कभी निर्धारित नहीं होती, बल्कि कई सामाजिक और ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का बड़ा ही विषम परिणाम यह होता है। राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा और उनके निर्देशों को आम जनता में अलग अलग तरह से व्याख्या को हाल ही में हुए सूक्ष्म ऐतिहासिक शोधों ने भली भांति प्रमाणित किया है। इस तरह की चेतना को यदि हम चाहें तो स्वायत्तता का नाम दे सकते हैं, परंतु इस तर्क के आधार पर जब कुछ इतिहासकार दलितों की चेतना और समझ को चिरस्थायी रूप से विद्रोही और अतिवादी बतलाने की कोशिश करते हैं तथा अत्यधिक रोमानी नजरिए से पेश करते हैं, तो शायद कहा जा सकता है कि न तो यह अच्छा इतिहास बनाता है और न ही उपयोगी दलित अध्ययन। सौभाग्य से सबल्टर्न अध्ययन के ही कई सुविज्ञ अध्येताओं ने इस प्रवृत्ति की स्वयं आलोचना की है और अपने लेखनों में दलितों की चेतना के विद्रोही एवं संकीर्ण सभी पहलुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला है। परंतु दलित चेतना की स्वायत्तता की बहस से अधिक महत्वपूर्ण शायद यह मुद्दा है कि इस चेतना का वास्तविक स्वरूप क्या है और समय तथा स्थान के परिवर्तन के साथ इसमें क्या बदलाव आते रहे हैं। इस मुद्दे को शायद सबल्टर्न अध्ययन का विशिष्ट उद्देश्य भी माना जा सकता है। वास्तव में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर इतिहासकारों के बीच कोई खास मतभेद नहीं है। एक ओर सबल्टर्न अध्ययन के प्रवक्ता रंजीत गुहा का रुझान दलितों की चेतना में छिपी कुछ सार्वभौमिक तथा शाश्वत प्रवृत्तियों तथा प्राथमिक पहलुओं की खोज निकालने का दिखता है, तो दूसरी ओर सुमित सरकार जैसे इतिहास के अध्येताओं ने दलितों की मानसिकता में समय और स्थान की विविधताओं के विश्लेषण पर अधिक जोर दिया है। अध्येताओं यानी छात्रों के लिए शायद यह महसूस करना या इतिहास के विद्यार्थियों के लिए शायद यह महसूस करना मुश्किल न होगा कि इतिहास की दृष्टि से दूसरा प्रयत्न कहीं अधिक सार्थक और उपयोगी है। यद्यपि इस दिशा में दीर्घकालिक सामान्यीकरण अभी कुछ विशेष नहीं हो पाया है। सबल्टर्न श्रृंखला के बहुत से लेखक दलितों की चेतना में सदैव विद्यमान प्रभुत्व
तथा विरोध की भावनाओं के अंतर विरोध एवं तनाव को ही बार बार अपने रिसर्च द्वारा मात्र रेखांकित या प्रमाणित करते रहे। ऐसे शोध की उपयोगिता कुछ तथ्यात्मक जानकारी के अलावा काफी सीमित प्रतीत होती है, विशेषकर तब जब लेखकों की रचनाओं को बिना पढ़े ही मात्र उनके वैचारिक रुझान जानकर ही हम यह बताने की स्थिति में हो जाते हैं कि मोटे तौर पर वे क्या प्रमाणित करने जा रहे हैं, क्योंकि नए सवाल ऐसे शोध में उठने की चेष्टा कई बार की ही नहीं जाती। केवल फैशनेबल लेखन शैलियों और प्रभावशाली स्कूलों या दृष्टियों के अनुरूप तथ्यों को बने बनाए सैद्धांतिक ढांचे में ठूस ठूस कर पेश कर दिया जाता है। विद्यार्थियों के लिए इस तरह के इतिहास लेखन की आलोचनात्मक पहचान बनना शायद उपयोगी होगा। इतिहास लेखन में जनवादी इतिहास परक विचारों के स्वातंत्रोत्तर काल में उद्भव से व्यापक परिवर्तन हुआ, परिणाम स्वरूप सूक्ष्म इतिहास के अन्वेषण ने क्षेत्रीय इतिहास प्रलेखन में जन इतिहास को उजागर किया। राजा महाराजाओं पर आधारित इतिहास न होकर तदयुगीन जन समाज का इतिहास बन गया। परिणामतः सदियों से जनता का शोषण करने वाली सामंतशाही व्यवस्था पर लेखन करने वाले इतिहासकारों को भी जनवादी इतिहास के पक्ष पर निश्चित रूप से विचार करना पड़ा। 21वीं सदी के प्रारंभ से इस दिशा में व्यापक अन्वेषण कार्य और लेखन हो रहे हैं, जिससे निश्चित रूप से अतीत के इतिहास के पृष्ठों पर छूटा हुआ कृषक और जन आंदोलन संबद्ध होते जा रहे हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि इतिहास लेखन के अवसर पर इतिहासकारों को इन पक्षों पर भी विचार करना होगा तथा साक्ष्य और तथ्य के आधार पर जनवादी इतिहास को एक नए चिंतन के साथ प्रस्तुत करना होगा, तभी हम इतिहास के साथ सही रूप में न्याय कर पाएंगे और सही इतिहास यानी इतिहास को ऊपर से नीचे देखने की प्रवृत्ति से परे नीचे से ऊपर देखने की ओर हम आगे बढ़ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।